उट इन्फॉर्मेशंप्लीटली कर लीजिए बल्कि इसके लिए शरा सदर कर लीजिए शरा सदर बाहते हैं किसी चीज के दिल के अंदर उतर जाना और कंप्लीट उसकी परसेप्शन जो है वो क्लियर हो जाना समझ लीजिए कि इनोवेशन विदाउट इंफॉर्मेशन होती क्या एक इनोवेशन है जो आपने प्रोसेस में की एक है जिसके आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली एक है आपने डिटरमिन करना है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए करना है। एक है कि आपके पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिफाई हो गया और उसके बारे में आपने कोई इनोवेशन करनी लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी तो उसके बाद आप इनोवेशन करेंगे कैसे मसलन मुझे प्रॉब्लम आ रहा है किसी एक बैच के अंदर और उस बैच के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि कहाँ मैं थर्टी टू थाउजेंड Uh, के जो है वो पीसेस uh, मेरे पास फाइनल आते थे लेकिन उसके अंदर जो है वो वेस्ट इतने कार अब वेस्ट फॉर एग्जांपल छः पीसेस का या सात पीसेस का और हजारों पीसेस है तो उनमें से आप जो मार्जिनल कर लें कि 500 पीस आपके जया हो अब आप क्या पूरे सिस्टम को अंदर चेंज कर देंगे नहीं आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे आप उसको जो है वो डायग्नोस करेंगे अब मैंने लव्स डायग्नोस यानी तफ्तीश आपने प्रिस्क्रिप्शन से पहले आपने उसका डायग्नोस करना है जब तक आप डायग्नोस्टिक नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज आ रही है आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि फलां चीज आपने इतने में दी थी डिजाइन यहां पर आया था डिज़ाइन के अंदर आगे बॉटलिंग या नेक्स्ट थिंग या जो भी होना शुरू हुई थी उसके बाद थर्ड या फोर्थ बैच के अंदर ये सिस्टम आता अगर आपने उसके अंदर छह पीस डालने थे उस प्रोसेस में सात डाल गए तो उसके अंदर किसी मशीन के अंदर कैपेसिटी नहीं थी उसको कंपाइल करने की तो रिजल्ट क्या आया कि उसके अंदर इतना वेस्ट आ गया तो इसका मतलब है ये तो सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर एक प्रॉब्लम आया इसकी इंफॉर्मेशन जरूरी है इसी तरीके से क्लैमिटी आ गई इसी तरीके से प्रोसेस डिजाइन आ गया और इसी तरीके से पॉलिटिक्स भी आ गई याद रखिए जब तक मेरे पास राइट right इंफॉर्मेशन नहीं होगी या इसको मैंने जैसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री भी कहा था आप गलत इंफॉर्मेशन से पूरी मार्केट को मिस्यूम कर सकते हैं और सही इंफॉर्मेशन से पूरी मार्केट को आप सही से लीड कर सकते हैं मुझे कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है पाकिस्तान के अंदर मेजर एस्पेक्ट्स के अंदर आप देखें हमें प्रॉब्लम रहता है गंदम ठीक नहीं है भाई हम गंदम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे पास गंदम नहीं है हम चीनी प्रोड्यूस कर रहे हैं चीनी नहीं है और भाई जाती कहां पर है फिर इसके ऊपर आपको पता चलता है कि वो आती तो है लेकिन इसके अंदर फाइनेंशियल चंक्स आ जाते हैं फाइनेंशियल क्रांच आ सकते हैं इसके अंदर आइडियोलॉजिकल मामला भी आ सकते हैं पोलिटिकल कार्टल्स भी आ सकते हैं और आपके आइडियोलॉजिकल कार्टल्स भी आ सकते हैं आपकी दामदात कहां पर आ रही थी बरामदात कहां चली गई तो ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो गलत होना इसकी वजह से आपकी पूरी प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता अब यहां देखिए हम कहते हैं द कॉस्ट ऑफ ऑप्टेनिंग स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन हैव चेंज्ड ओवर इयर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो देते हैं जीई सदियों से किताबों के अंदर जीई की ही एग्जाम्पल चली आ रही है चुनाचे आपको भी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हम एग्जाम्पल देकर दो चार एग्जाम्पल्स अलग से दे देंगे ऑर्गेनाइजेशन आमतौर पर अमूमी रुझान के मुताबिक वो हेरार्किकल स्ट्रक्चर पे चलते हैं जो मैं अक्सर बताता हूँजिक होता है फंक्शनल होता है ऑपरेशनल होता है अब इंफॉर्मेशन जो है वो ऊपर से नीचे आती यानी टॉप टू बॉटम अब बॉटम टू आप जाएगी तो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर भी ओपननेस आएगी ना अब जब मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो मिडिल मैनेजमेंट है उसको मैंने ये राइट right देना है कि मार्केट एक्सेस करे मार्केट डिजाइन समझे मार्केट आइडियोलॉजी समझे मार्केट साइकोलॉजी समझे और मुझे भी आकर बताए और फिर मैंने उसको कितने इंसेंटिव देने और उसने मुझे कितना इंसेंटिवाइज करना है एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि ये शेयरिंग होती क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तीन चीजें होती मेरी एक किताब के अंदर मैंने ये जिक्र किया कि डॉग्स कैन बी ट्रेनड हॉर्स कैन बी टेम्ड बट हॉक्स कैन ओनली बी फैसिलिटेटेड यानी उकाब शहबाज या शिकरा जिसको भी आप कहें इसकी एग्जांपल आप समझ लें देखें ऑर्गेनाइजेशन में मुझे घोड़े भी चाहिए मुझे किसी और आ, ब्रीड के लोग भी चाहिए होंगे मुझे डॉग्स भी हो सकता है यानी मैं उसको मेटोफॉरिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमें उस तरह की डिटर्मिनेशन भी चाहिए हो सकती है इसके बाद आपकी हॉक कैटेगरी भी है इसमें घोड़ों के अंदर भी कुछ ट्रेंड और टेम्ड भी होते हैं कुछ जंगली घोड़े भी हो सकते हैं लेकिन जो प्रॉफिट्स लेकर आते हैं वो कुछ और तरह के होते हैं जिसको उकाब या शिकरा कहते हैं अच्छा आप कहेंगे एनिमल साइंस को मैं इसके साथ इनोवेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन समझिए उकाब के पास एक ट्रेंड इंफॉर्मेशन होती है कि अगर उसको किसी शिकारी ने उसको भेजना है तो उसका इंसेंटिव साथ होगा वो इंसेंटिव क्या है अगर शिकरे को उसने बास को अब अबील के ऊपर या किसी के ऊपर फेंका उसको फेंक कर वो लेकर आएगा विद इन थर्टी सेकेंड या फोर्टी फाइव सेकेंड या एक मिनट के टाइम के अंदर वो जाता है उसको लेकर आता है शिकारी के पास रखता है शिकारी के पास अगर ये टेक्निक नहीं है कि विद इन थर्टी सेकेंड उसको डैगर से उसका सीना फाड़ के उसका जो दिल है वो फौरी तौर पे उसके मुंह में नहीं डालेगा तो वो आपकी आंख निकालेगा तो इसका मतलब ये है कि ये वाइस वर्सा जो है ये इसका साइकोलॉजी डिफरेंट है इसका मतलब है हाई हाई रिस्क प्रॉफिट और अगर आपके पास वो चीज नहीं आती तो शिक्र आपको नुकसान भी दे सकता तो ये जितना ज्यादा जो है वह कॉम्पिटिशनला आदमी होगा वो ज्यादा नुकसान भी दे सकता है इसका जरूरत यह है इसकी एग्जाम्पल मैं वहां से भी लूंगा कि आमतौर पर लोगों के बार लोगों को ये बात इल्म नहीं है लेकिन मैं इस मैनेजेरियल या ियल डिजाइन के अंदर आकाल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करना भी चाहूंगा वो ये कि एक जंग के मौका के ऊपर दो दंदान शहीद हो गए और जिसने उन्हें दंदान शहीद किए उनको आ, सेलेक्ट कर लिया गया एक सहाबी रजी अल्लाह तआला ने कहा कि आप फरमाइए तो हम जाकर उसको कत्ल कर उन्होंने कहा कि जिसने ये किया है उसके उसको मेरे पास लेकर आया जाए बस ये कहा और उसके बाद गनुदगी अच्छा अब पॉइंट ये है कि जिन्होंने नुकसान दिया और जंग के अंदर नुकसान काफ़ी सारा हुआ उसको आप कभी भी आप अगर अपना देखेंगे आपको कोई नुकसान दे जाए बड़ा नुकसान दे जाए आप कभी भी उनको अपने पास हायर करेंगे या अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे ये इंसानी साइकोलॉजी है कि कभी भी नहीं करेंगे हमारे मजहब में आप ये देखें कि आइडिया किस तरह आता है कि जिन्होंने दंदान शहीद किए वही सैफुल्ला का लकब पाते हैं और वो खालिद बिन वलीद कहलाते हैं यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की एक अला तरीन मिसाल में आपके सामने पेश की और इसी के साथ अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी देखें कि हाई हाई शेयरिंग और एक्सटर्नल और ओपननेस की ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं देना चाहता स्टीव जॉब्स की देते की देते देते हैं बिल गेट्स हैं दीजिए लेकिन ओपननेस के मॉडल के अंदर ये इससे बड़ी आपके वॉर जोन में सानजू का मॉडल देता है वॉरफेयर सानजू वॉरफेयर की बात करते हैं लेकिन कभी भी आपने ये बात नहीं सुनी होगी कम सुनी होगी आकल असलात इस्लाम का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उनमें भी आपने एक बात सुनी कि या ला, दोनों उम्रों में से मुझे कोई एक उम्र दे दे यानी कैपेसिटी दोनों की एक इंटेलिजेंस दोनों की एक और परफॉर्मेंस भी दोनों की एक लेकिन दोनों में से कोई एक डिटर्मन करके दे दीजिए आगे का वाक्य आपको पता सो तो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर रिस्क और कौन ज्यादा अचीवेबल ला सकता है इसको देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन इन्फॉर्मेशन और वर्डली इंफॉर्मेशन भी उतनी जरूरी है हर चीज़ आप इसको इंट्यूशन के ऊपर नहीं डाल सकते तो वर्डली इंफॉर्मेशन स्किल्स की बेस पर ली जाती है और वही मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी तो नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे वाले चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच